अस्सलाम वालेकुम अगेन। आज कुकिंग वीडियो, अभी मैं, आपने देखा मैं बॉम्बे गई थी, बॉम्बे से मस्त वाला कपड़ा भी लाई हूँ। अभी शो नहीं करूंगी बिकॉज मैं जो भी कपड़ा डालती हूँ कॉपी राइट हो जाता है वो, जब मेरा पूरा मेरे डिजाइन जो मैं उसमें उतारूंगी और बनाऊंगी और परफेक्ट मुझे लगेगा उस टाइम मैं आपको उसकी डिजाइन और वो कपड़ा बताऊंगी, आज नहीं बताऊंगी। तो आज सिर्फ कुकिंग वाला वीडियो। जस्ट देखो अभी मैंने ज्वेलरी उतारी और चेंज ही कर रही थी, उतने में अली आया, उसको बहुत भूख लगी है, तो मैं आई तो देखा कुछ नहीं था, तो मैंने जस्ट अभी अंडे बॉईल किए और अभी मैं अंडा मसाला बना रही हूँ, तो आपको दिखाती हूँ। अभी पहले तो अंडे मैंने छीले हैं, अब मसाला रेडी कर रही हूँ। कल जैसा लॉन्ग वीडियो है, अब लॉन्ग वीडियो में डालूंगी सब, तो पहले मैं आपको चेंज करके आती हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ, तब तक अली मेरा अंडे छील के रखेगा। चलो अभी मैं चेंज करके आई हूँ, पहले अभी ये चूड़ी मैं बाद में उतारूंगी, पहले बच्चों को भूख लगी है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। अंडा मसाला, मसाला क्या क्या ऐड करूँगी वो पहले आपको बता देती हूँ मैं। अंडे पहले छील लिए, बॉयल अंडे, उसके अंदर ये अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और पीसने में टमेटो और ऑनियन पीसूंगी। और ये देखो ये नारियल का बुक्का है, इसको भी मैं थोड़ा सा इसमें मैं पीस लूँगी, और मुझे जल्दी पकाना ना, इसीलिए ये यूज़ कर रही हूँ, नहीं तो मैं कच्चा नारियल डालती हूँ। अब मैं ये सब मैरिनेट कर, सब मिला के पीस के एक फाइन मसाला रेडी करती हूँ पेस्ट, और फिर मैं आपको बताती हूँ। देखो मसाला मैंने सब पेस्ट बना ली, इसमें है मिर्ची की बुकी, हल्दी की बुकी, धनिया की बुकी और प्याज, और थोड़े से टमाटे भी मैंने मिक्स कर लिए थे, और उसी के साथ साथ ये टमेटो और नारियल, ये उसका पेस्ट है। अब मैं इसमें बघार में डाल रही हूँ तेल। देखो ऑलरेडी मैंने तेल यहाँ पे रख दी हूँ, गर्म हो चुका है तेल, इंशाल्लाह मैं अभी ये सब डाल रही हूँ। आपने देखा मैंने सारा पेस्ट, जो भी दो टाइप के पेस्ट, मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाहूँगी ये चीज़। देखो ये मैंने दोनों जो आपको पेस्ट बताई थी ये पूरे रेडी थे, ये मैंने डाल दी, और आप यकीन कीजिए कि इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से, माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अभी ये थोड़ा सा भूनने के बाद मैं नमक ऐड करूँगी और फिर अंडे मैं इसमें ऐड करूँगी, माशाल्लाह आपको मैं दिखाते रहूँगी जो आगे का करने वाली हूँ। और मैं अभी थोड़ा मस्ती मजाक बहुत ज़्यादा करी तो मेरा गले में दर्द हो रहा है, थोड़ी आवाज़ मेरी हार्ड हो गई है, तो मैं अभी आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मसाला भुनने में थोड़ा टाइम लगेगा। देखो मैंने इसमें अभी नमक डाली, आधा भुना है, अभी तक तो पूरा भुना नहीं है मसाला, तो इसमें मैं ये आलू ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अंडे थोड़े से लग गए तो उसके छिलके पूरे, मतलब ज़्यादा छिलके निकलने की वजह से उसमें गूदा कम रह गया है, तो मैं ये पूरा जब तक मसाला भुनेगा तब तक ये आलू इसी के साथ भूनूंगी, क्योंकि मैंने नमक इसके साथ ऑलरेडी डाल दी हूँ। जैसे ही मसाला भुनेगा ऑयल अलग होगा, उसी के साथ में आलू भी गलेंगे और उसके अंदर नमक भी जाएगा, टेस्ट भी आ जाएगा। और एक बात बताऊँ आपको, एक बात जो बताना चाहती थी वो ये थी कि मैं गुलशन ईरान में जब खाना खाने बैठी थी तो माशाल्लाह बहुत सारे लोग आए, इज्जत से सलाम किए, पसंद किए, और मुझे एक जन ने तो इतना कॉम्प्लीमेंट दिया कि यहाँ आप खाना खा रहे हो, इससे अच्छा तो खाना आप बनाते हो। तो अगर आप, उन्होंने बोला कि मैं आपको फॉलो करती हूँ, तो बेटा थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतनी बड़ी बात बोली, मुझे इतनी इज्जत दी, और काफ़ी लोग मेरा वहाँ पे, बहुत लोग मतलब मार्केट में भी फ़ोटो लिए, रिस्पेक्ट दिए, और लोगों ने यही बोला टिकटॉक वाले, और फिर मैंने बोला अच्छा अभी आप टिकटॉक तो चला गया, तो बोले हम लोग इंस्टा पर देखते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत खुशी भी होती है बातों की, कि लोग इज्जत तो देते हैं और पसंद भी करते हैं, और कुकिंग का जहाँ भी जाती हूँ लोग जिक्र करते हैं, तो इसीलिए मेरा दिल चाहता है कि अब मैं वापस कुकिंग के वीडियो डाला करूँ। मैं इतना बहुत, देखो खाना ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, जितनी ज़रूरत होती है उतना ही बनाती हूँ, लिमिटेड बनाती हूँ, क्योंकि वो खाना वेस्ट नहीं हो। और बेमतलब आपको मैं चार डिश बताऊँ और खा नहीं पाए, चार दिन वही खाना, तो मुझे वो नहीं पसंद है। अभी मेरे घर में कल का पुलाव थोड़ा रखा हुआ है, लक्ष्मी रोटी बनाकर चली गई, तो मैं आई अंडे बॉईल किए, अब मैं अंडा मसाला बना रही हूँ, तो माशाल्लाह इतने में हमारा खाना हो जाएगा। तो चलो मैं अभी ये मसाला भूनने के बाद जब अंडे ऐड करूँगी तो फिर मैं आपको आगे का दिखाती हूँ, ठीक है। देखो अभी तक मैंने इसमें पानी ऐड नहीं करी हूँ, आधा सा तेल छूटा हुआ है, मसाला माशाल्लाह बहुत अच्छा भून गया, देख के आपको नज़र आ रहा होगा। और ये जो मैंने मसाला पीसी थी ये वो उतना मसाले का पानी इसमें मैं डाल रही हूँ, जो कुकर का था उसको धो के अभी ये इसलिए इतना पानी डाली हूँ, क्योंकि ये पानी में ये आलू गल जाएंगे।
तो अब मैं थोड़ी देर के बाद में आऊँगी, क्योंकि ये आलू गलने के लिए मैंने इतना थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करी, थोड़ा सा पानी ऐड करी तो देखो माशाल्लाह क्या मसाला खूबसूरत दिख रहा है और ऑयल भी अच्छा खासा छूटने लगा। कोथमीर कई लोग बनने के बाद डालते हैं तो मैं थोड़ा पहले ही डालती हूँ, ज़्यादा करके तो मैं बघार में ही डालती हूँ, क्योंकि बघार में डालने से वो भून जाती है और बहुत अच्छा टेस्ट भी आता, क्रंची क्रंची और अच्छा भी लगता है। तो अभी ये आलू के साथ साथ ये कोथमीर भी इसके अंदर भुने जाएगी और जो इसका टेस्ट होगा उसमें ऐड हो जाएगा। मस्त मैंने अमीन के लिए खाकरी लाई और हमारे लिए केक लाई, ये मेरे बेटे को खाकरी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं जब भी उधर से गुजरती हूँ या तो स्पेशल कभी कभी जाती हूँ उसके लिए लाने के लिए। और कल सुबह का प्रोग्राम देखो अभी से बता देती हूँ, कल मेरे को मलाई बनानी है, तो कल अभी से मैंने मलाई बाहर निकाल के रखी हूँ, अब कल बनाऊँगी ये मलाई। चलो अभी देखते हैं हम लोग मसाले का क्या हाल है। माशाल्लाह मसाला भून गया, देखो तेल भी अच्छा खासा छूट गया है। अब इसमें हम लोग अंडे ऐड करते हैं। देखो अंडे अभी मैंने इसमें ऐड करी हूँ और थोड़ा सा मैं इसे पानी डालूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा है मुझे, मतलब तो थोड़ा सा भाप पे रखने के लिए, स्लो में करने के लिए ज़रा सा हल्का सा बस इतना ही पानी डालूँगी। और अब ये पूरी तरीके से स्टीम में तैयार होगा, देखिए माशाल्लाह पूरा सब रेडी हो गया है। ये मेरा अंडा आलू मसाला रेडी हो गया है। चलो अब मैं इस पर ढक्कन रख रही हूँ, इसको 5-7 मिनट ऐसी छोड़ने वाली हूँ। अब परफेक्ट रेडी हो गई मेरी अंडा मसाला, अंडा आलू मसाला। चलो अब हम लोग खाना खाने बैठेंगे, इंशाल्लाह हो गया ये सब कुछ। चलो अब मैं जा रही हूँ, अब बिग बॉस भी चालू है, वहाँ मेरी खिड़की में से, मेरी किचन में खिड़की है तो मैं वहीं से थोड़ा थोड़ा झाँकते रहती हूँ। और माशाल्लाह अल्लाह का ऐसा करम हो गया कि मेरे चेहरे पे काफ़ी लोगों ने उंगलियाँ उठाई थी, लेकिन मेरे अल्लाह ने मुझे फिर से मेरा चेहरा जिस जैसा था वैसी बना दिए, अल्लाह पाक का करोड़ों एहसान। काजल पूरा फैल गया है क्योंकि सारा ऑयल मिक्स हो रहा था। तो अब मैं थोड़ा फ्रेश होंगी, उसके बाद खाना खाने बैठूंगी, पहले बच्चों की पेट की बारी होती है ना।